दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ईडी को पत्र लिखा है। ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वे इन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ईडी को पत्र लिखा है। ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वे इन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। यहां बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे और इस सिलसिले में उन्होंने ईडी को पत्र लिखा है। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमन जी, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है ईडी को, इसके लिए और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, ये तीसरी बार हुआ है जब अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी को पत्र लिखा गया है कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरीके से मुझे ये नोटिस दिया जा रहा है वो एक तरीके से गैर कानूनी है, प्रचार करने के लिए रोक के लिए है। तो इसको लेकर अभी अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस पर केंद्र पर जो निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये ईडी की बहुत बड़ी साजिश है, कि सीधा सीधा इसमें ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, उनकी इसके अलावा कोई और मंशा नहीं है। क्योंकि ये तीसरा नोटिस है, पहले भी दो नोटिस आ चुके हैं, तो इसमें सीधा सीधा जो लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो 2024 के जो चुनाव है उसमें जो प्रचार है उसको भी इसके अरविंद केजरीवाल जो वो प्रचार ना कर पाए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का। तो अभी इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो लगातार आम आदमी पार्टी सीधा और सीधा केंद्र पर और ईडी पर यही निशाना साध रही है कि ये एक मंशा है सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पहले दो नेता जेल में है, तो उनका यही कहना है इसी तरीके से सीएम केजरीवाल को भी केंद्र जो है ईडी के द्वारा गिरफ्तार करना चाहती है, और जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारी को लेकर रोकना चाहती है, उनके प्रचार को लेकर रोकना चाहती है। तो वो पूरी पार्टी का यही कहना है कि हम जांच के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सहयोग उतना ही किया जाएगा जितना ईडी के जवाब अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे, ना कि ये गैर कानूनी तरीके से कि उनको गिरफ्तार करने के लिए कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास आकर आप जवाब दे दिए और उसके बाद सीधा सीधा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इससे भी बच रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश ना हो। धन्यवाद आपका।